सब्सक्राइब करिए विक्ट्री लैब को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक सबसे पहले पहुंच जाए कमाल के साइंस और टेक्नोलॉजी वीडियोस। हेलो दोस्त, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विक्ट्री लैब पर। मेरा नाम है GRC और दोस्त आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो जनरली हमारे एज में काफ़ी कॉमन है, काफ़ी आम तौर पर देखने को मिलती है और इस चीज़ का नाम है इंसोमनिया। टेक्निकली इस चीज़ को इंसोमनिया बोलते हैं हम, लेकिन जनरली इसका मतलब होता है नींद ना आना, रात भर जगना, दिन भर जगना। ये जो आदत है ना, ये कहीं ना कहीं इंसोमनिया का कारण फ्यूचर में जाके बन सकती है। तो दोस्त इस वीडियो में आज मैं आपको काफ़ी डिटेल में पूरा एनालिसिस देने वाला हूँ कि इंसोमनिया क्या है, इसकी वजह क्या होती है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये हमारे शरीर में किस किस बीमारियों को जड़ दे सकते हैं, कि कौन कौन सी बीमारियाँ हमारे शरीर में ला सकते हैं, पूरा एनालिसिस मैं आपको देने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ कि ये इंसोमनिया से हम कैसे बचें, खुद को कैसे इस चीज़ से सुरक्षित करें। काफ़ी डिटेल में आज इस वीडियो में हम ये सब बात करने वाले हैं और फाइनली इस बात का भी मैं आपको जवाब देने वाला हूँ कि क्या दिन रात जागने से हमारी जान जाने की संभावना बढ़ जाती है, इस चीज़ पर भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्त इस वीडियो को आज हम जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्त अब बात करते हैं इंसोमनिया के बारे में, इंसोमनिया को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्त मैं आपको बता दूं कि इंसोमनिया को अगर हम सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें, इसका अर्थ होता है नींद ना आना। मतलब अगर आप दिन रात जग रहे हो, एक हफ्ते हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, आप ना रात में सो रहे हो ना दिन में सो रहे हो, आधा घंटा एक घंटा भले ही सो ले रहे हो लेकिन रात भर जग रहे हो, ना रात में दिमाग आपका चल पा रहा है ना दिन में आपका दिमाग चल पा रहा है, अगर ऐसी स्थिति आपके जीवन में आ गई है तो दोस्त आप समझ लेना कि इंसोमनिया आपके जीवन में, आपके लाइफ में एंटर कर चुका है। इंसोमनिया का सीधा सीधा टेक्निकल मीनिंग होता है स्लीपलेसनेस, मतलब नींद न आना। अगर आप रात में सोने की कोशिश तो कर रहे हो लेकिन अगर आपको नींद नहीं आ रही है दोस्त, तो आप जान लो कि आप इंसोमनिया का शिकार वहाँ पर हो चुके हो। दोस्त मैं आपको बता दूं कि इंसोमनिया का शिकार जो शख्स होता है उसके जीवन में सबसे खतरनाक बात एक ये आती है, क्योंकि वो रात दिन जग रहा है, रात में भी नहीं सो रहा है, दिन में भी नहीं सो रहा है, तो उसका दिमाग में होता क्या है कि अगर वो दिन में, रात में तो चलो वो रात में ज़्यादा लोग नहीं हैं, वो अपने घर में ही हैं, अपने कमरे में ही हैं, तो रात के दिन तो रात का वक्त तो कट जाएगा। लेकिन दोस्त दिन में क्या होता है कि आदमी अगर अपने ऑफिस में हो या अपने कॉलेज स्कूल कोई भी जगह पर हो, तो वहाँ पर वो काम तो करता रहता है लेकिन उसका दिमाग क्या सोचता है उस वक्त कि वो सो रहा है, उसका दिमाग कुछ वक्त के लिए, कुछ मिनट्स के लिए, कुछ 15-20 आधे घंटे के लिए एकदम ब्लैंक जैसा हो जाता है, वो कुछ सोच समझ नहीं पाता, उसके दिमाग की सोचने समझने की शक्ति बहुत कम हो जाती है, उसे लगता है कि वो सो रहा है लेकिन फिजिकली उस वक्त उसकी आंखें खुली होती है लेकिन वो आजू बाजू देखते हुए भी कुछ समझने की कोशिश करते हुए भी वो कुछ समझ नहीं पाता है। तो ये सबसे बड़ी एक समस्या, एक सबसे बड़ा डर, एक सबसे बड़ा खौफ हमें इंसोमनिया की वजह से देखने को मिलता है, और जब हमारे लाइफ में इंसोमनिया एंटर करता है तो यहां पर हमें ये देखने को मिलता है। अब चलिए दोस्त बात करते हैं इंसोमनिया कितने प्रकार के होते हैं। दोस्त हमारे जीवन में अगर इंसोमनिया एंटर कर चुका है तो डिपेंडिंग अपॉन इट्स इंटेंसिटी, मतलब इंसोमनिया को आए हुए कितने दिन हुए हैं, कितनी रातें और दिनें ऐसी कटी है जहाँ पर हम सोए नहीं हैं, रात दिन जागे हैं, क्योंकि जितने दिन रात बढ़ते जाएंगे उतने ये चीज़ का प्रभाव गहरा होते जाएगा। तो दोस्त अगर आप इनिशियल स्टेज में हो, अगर आप एकदम स्टार्टिंग स्टेज में हो, तो उसे हम कहेंगे ट्रांसिएंट इंसोमनिया। अगला है दोस्तों एक्यूट इंसोमनिया, और उसके बाद आता है दोस्त क्रोनिक इंसोमनिया। तो उसमें आपको बता दूं कि ट्रांसिएंट इंसोमनिया को कंट्रोल करने की स्थिति में आप हो अगर आप स्टार्टिंग के फेज़ में हो, मतलब स्टार्टिंग के फेज़ में जब चीज़ें धीरे धीरे पनपनी स्टार्ट होती है, धीरे धीरे डेवलप होनी स्टार्ट होती है, तो वहाँ पर चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। ट्रांसिएंट इंसोमनिया उतना खतरनाक नहीं होता है, ये जनरली होता है कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट कोई काम वाम जॉब ढूंढने गए हो, या फिर आप अगर अपने घर से किसी और के घर में सोने गए हो, तो सामान्य सी बात है कि वर्किंग एनवायरनमेंट या रहने का एनवायरनमेंट, सोने का वातावरण, एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, तो वहाँ पर बहुत लोगों को नींद नहीं आती है। तो एक सामान्य सी बात हुआ, सामान्य सी परिस्थिति हुई, ये कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन क्योंकि लोगों को नींद नहीं आ रही है और 1-2 दिन 3-4 दिन ऐसे बीत गए हैं, तो दोस्त इसे मैं आपको ट्रांसिएंट इंसोमनिया के कैटेगरी में रखने के लिए कहूँगा। दोस्त मैं बता दूं कि अगर आप कोई स्ट्रेस में हो, कोई बात को चिंता में हो और वो बात आपके दिमाग में घूमे जा रही है, आप सो नहीं पा रहे हो, 3-4 दिन से उसी के बारे में सोच रहे हो, तो वो भी ट्रांसिएंट इंसोमनिया के अंडर कहलाएगा। तो अगला कैटेगरी जो है वो है एक्यूट इंसोमनिया। एक्यूट इंसोमनिया ट्रांसिएंट और क्रोनिक इंसोमनिया के बीच की परिस्थिति है, मतलब आप चिंता में तो हो, बहुत दिन से आपके दिमाग में कोई बातें घूमी जा रही है, आप सो नहीं पा रहे हो, और
स्टार्टिंग के दिन बीत चुके हैं, मतलब 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन बीत चुके हैं, उसके बाद भी ऐसी ही परिस्थिति बनी हुई है, तो वो हो जाएगी एक्यूट इंसोमनिया कैटेगरी। क्योंकि यहाँ पर 15-20 दिन हो चुके हैं आपके जीवन के, फिर भी आपको नींद नहीं आ रही है, आपका सेहत दिन ब दिन घटते जा रहा है, तो दोस्त ये कहलाएगा आपका एक्यूट इंसोमनिया। अगला दोस्त आते हैं क्रॉनिक इंसोमनिया के बारे में। दोस्त ये क्रॉनिक इंसोमनिया सबसे खतरनाक माना जाता है, क्योंकि ये इंसोमनिया का आखिरी स्टेज आप कह लो, क्योंकि आपके जीवन के 1-1.5 महीने बीत चुके हैं, फिर भी आप न रात को सो पा रहे हो न दिन में सो पा रहे हो। और आपको बता दूँ, इस वजह से आपके सोचने समझने की शक्ति तो घट ही रही है, मेंटल फटीग भी आपके दिमाग में हो रहा है, हेलुसिनेशंस भी हो रहे हैं, आपको भ्रम भी हो रहा है, कोई चीज़ को आप देख रहे हो, कुछ सोच रहे हो, फिर आप समझ नहीं पा रहे हो, आपको लग रहा है कोई शख्स को आपने देखा, इस टाइप की स्थिति अगर आपके मन में आ रही है दोस्तों, तो बहुत यहाँ पर स्थिति बिगड़ चुकी है, आपको कोई डॉक्टर से या कोई जानकार आदमी से कंसल्ट करना चाहिए, अपने पेरेंट्स अपने गार्जियन से कंसल्ट करना चाहिए, जो भी स्ट्रेस हो आपके दिमाग में, ताकि आप क्रॉनिक इंसोमनिया को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सको। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि कॉजेस ऑफ इंसोमनिया, इंसोमनिया के क्या क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं कि मेनली जो कारण होते हैं वो होते हैं मेंटल लेवल पे, मतलब आपको कोई बात लेकर स्ट्रेस है, कोई बात से आप चिंता में हो, बहुत दिन से सोचे जा रहे हो, बहुत 15-20-25 दिन हो गए आप सोच रहे हो उस बात को लेकर, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, आपके हेल्प करने के लिए आजू बाजू कोई नहीं है, तो वहां पर आपको कारण हो सकता है इंसोमनिया का, क्योंकि वहां पर आप तो सोओगे नहीं, आपकी परिस्थिति तो वहां पर काफ़ी ख़राब है, इसीलिए दोस्त यहां पर एक रीज़न हो सकता है इंसोमनिया का। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि आप अपने सीनियर से या जो आपके गाइडेंस में जो लोग हैं उनसे कंसल्ट करिए। ये तो हुआ एक कारण इंसोमनिया का। अगर अब मैं आऊँ फिजिकल कारण पे, तो दोस्त आपका खाने में अगर न्यूट्रिशन वगैरह की कमी है, तो वहाँ पर भी आपको इंसोमनिया का शिकार आप हो सकते हो, क्योंकि आपको रिक्वायर्ड जितना आपके बॉडी में मिनरल्स डाइट्स न्यूट्रिशंस चाहिए वो आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको इंसोमनिया देखने को मिल सकता है। फैमिली में प्रॉब्लम है, कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर भी इंसोमनिया आपको देखने को मिल सकता है, या फिर कोई अगर सिटीजन अल्कोहल वगैरह ले रहा है, अल्कोहल स्मोकिंग वगैरह कर रहा है, तो वहाँ पर भी दोस्त बॉडी में काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, और वो सब भी कारण बन सकता है यहां पर इंसोमनिया का। तो अब चलिए बात करते हैं कि इंसोमनिया को कैसे हमारे जीवन से निकाले, लेकिन लेकिन उससे पहले तो दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंसोमनिया का हमारे शरीर पे क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है। आप देख सकते हैं दोस्त स्क्रीन में, बिल्कुल ये सारी चीजें बिल्कुल एक शख्स को हो सकती है अगर वो इंसोमनिया का शिकार है। अस्थमा के अटैक्स, या फिर इम्यून सिस्टम वीक होना, ओबेसिटी, मोटापा आना शरीर में, बेकार का मोटापा आना, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेस, ये सारे दोस्त इंसोमनिया की वजह बन सकते हैं। दोस्त मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा, इस वीडियो एक काइंड ऑफ मोटिवेशनल वीडियो है, ताकि जो हमारी जो यंग एज, हमारा जो एज है, हमारी एज के लोग जो इस परेशानी में से फंसे हुए, इस परेशानी से ग्रसित हैं, तो उनके बीच में छोटी सी अवेयरनेस लाने की ये कोशिश है वीडियो। तो इसी के ज़रिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये सारे चीज़ों का शिकार आप भी हो सकते हो अगर आप समय से सो नहीं रहे हो और समय से उठने का रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हो। हाँ, कुछ दिन ऐसे हो सकता है, लेकिन हर दिन एक गड़बड़ रूटीन फॉलो करना दोस्त इंसोमनिया का कारण बन सकता है, मेरी भी लाइफ में, आपकी भी लाइफ में। तो चलिए दोस्त अब बात करते हैं इंसोमनिया को कैसे हटाया जाए हमारे जीवन से। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने कहा कि इंसोमनिया की वजह हमारा मेंटल लेवल है, मेंटल लेवल पे हमारा कोई स्ट्रेस वगैरह चल रहा है, तो वही इंसोमनिया की जड़ बनती है। तो दोस्त मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स या अपने लोगों से डिस्कस करो कि भाई क्या लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स कम हो और आप रिलैक्स फील करो और समय से सो पाओ, उठ पाओ। ये तो हुई मेंटल लेवल की बात। दूसरा, आप एक्सरसाइज कर सकते हो, सुबह समय पर उठ के योग कर सकते हो, एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो। लेकिन दोस्त मैं आपको बताऊँगा कि आपको बताना चाहूंगा कि आप कैफिनेटेड ड्रिंक्स वगैरह कम करिए अगर लेते हो तो, या फिर कोई शख्स अगर स्मोकिंग कर रहा है, अल्कोहल ले रहा है, तो वो भी बॉडी को बहुत ज्यादा डिटोरिएट करता है, बॉडी को बहुत ज्यादा किल करने की कोशिश करता है, तो वहां पर भी आपको वो सारी चीजें अवॉइड करनी है, या फिर वो शख्स को अवॉइड करनी है जो स्मोकिंग या अल्कोहल में ग्रसित है। दोस्त मैं आपको बता दूं, ये सारी चीज़ें तो है ही, लेकिन सोने के वक्त आप जिस रूम में सो रहे हो वहाँ का टेम्परेचर भी काफ़ी कूल होना चाहिए, लगभग 65 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड वहाँ पर टेम्परेचर, माफ़ करिए, 65 डिग्री फ़ारेनहाइट के अराउंड वहाँ पर टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है, तो वहाँ पर काफ़ी ठंडक रहती है। अगर रूम ठंडा है, शांत है, अंधकार है रूम में, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा नींद आपको आएगा। रूम टेम्परेचर जनरली 65 डिग्री फ़ारेनहाइट के अराउंड आप मेंटेन करने की कोशिश करिए, ताकि वहाँ पर भी एक रिलैक्स, शांति भरी आपको नींद मिल सके। दोस्त मैं आपको बता दूं कि अगर कोई शख्स बहुत दिन से रात भर सोया नहीं है, तो वहाँ पर उसे जान पर भी ये बात बन सकती है, क्योंकि काफ़ी रिसर्चेस, काफ़ी डॉक्टर्स ने यहाँ पर स्टडी की है, काफ़ी सारे एविडेंसेस भी सामने आते हैं जो कहते हैं कि अगर आप 10 दिन 15 दिन 20 दिन लगातार आप सोए नहीं हो, तो दोस्त वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा हेलुसिनेशंस होने वाले हैं, आपका माइंड वहाँ पर दिन रात सोचने समझने की शक्ति आपके माइंड की घटती जाएगी, और वहाँ पर जान जाने की भी स्थिति बन सकती है। इसीलिए दोस्त मैं आपको बता दूं कि समय पर सोना उठना काफ़ी ज़रूरी है। हाँ, बहुत सारे
सारे परिस्थिति, बहुत सारे दिन ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आपको काम है, आप समय पर नहीं सो रहे हो, उठ रहे हो, इट्स ओके, इट इज़ वेरी फाइन। बट दोस्त रेगुलरली ऐसा रूटीन फॉलो करना जहाँ पर हम समय पर उठ नहीं रहे हैं, समय पर सो नहीं रहे हैं, तो दोस्त वहाँ पर आपको प्रैक्टिकली साइंटिफिकली मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पर बॉडी पर इफेक्ट ज़रूर पड़ सकता है। तो यहाँ पर हमें इन चीज़ों पर ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए दोस्त अब बात करते हैं एनालिटिक्स के बारे में। एक साइंटिफिक और एक काफ़ी बड़ा सर्वे किया गया था यूएसए में। तो सर्वे के अकॉर्डिंग अमेरिकन एडल्ट्स पे ये सर्वे किया गया था। तो उस सर्वे के अकॉर्डिंग ये सर्वे किया गया था दोस्त 18 साल से 79 ईयर्स के लोगों के बीच। तो सर्वे के अकॉर्डिंग हम रिजल्ट्स जानने की कोशिश करते हैं कि रिजल्ट्स क्या थे। तो सब डायरेक्टली क्लियर अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इंसोमनिया, जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे इंसोमनिया उससे ग्रसित होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। मतलब अगर आप 18 से 34 साल के एज ग्रुप में हो, अमेरिकन एडल्ट हो, अगर आप अमेरिका के सिटीजन हो, तो वहाँ पे 14% चांसेस है कि आपको इंसोमनिया हो जाए। मतलब 100 में से 14 लोगों में से आप हो सकते हो कि आप इंसोमनिया का शिकार हो। मतलब हर 100 में से 14 लोगों को चांसेस हैं जो कि 18 से 34 साल की उम्र के हैं जिन्हें इंसोमनिया हो। तो सब देख सकते हैं कि अगर आप 65 से 79 एज ग्रुप में आते हो तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा था 18 से 34 साल के एज ग्रुप में वहाँ पर थे 100 में से हर 14 लोगों को, लेकिन यहाँ पर 65 से 79 उम्र के एज ग्रुप में 100 में से हर 25 लोगों को इंसोमनिया होने के चांसेस देखने को मिलते हैं। दोस्त इसके काफ़ी ज़्यादा कारण हो सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह बढ़ती हैं, हमारी अब अपने परिवार के लिए जिम्मेदारियां वगैरह बढ़ती है, तो वहाँ पर भी हमें काफ़ी ज़्यादा काम करने को मिलता है। ऊपर से हमारी बॉडी का मैकेनिज्म भी काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पर हमारा बॉडी भी इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है क्योंकि शरीर की उम्र बढ़ रही है और हम अगर रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं तो इम्यून सिस्टम घटने लगता है, बॉडी की स्ट्रेंथ काफ़ी हद तक घटने लगती है क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा उम्र बढ़ने पर, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे यहाँ पर इंसोमनिया देखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बस दोस्त इस वीडियो में आज इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और मुझसे कुछ कहना है तो नीचे कमेंट सेक्शन है वहाँ पर आप बिल्कुल मुझसे कह सकते हो। चैनल विक्ट्री लैब को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी ज़रूर से दबा देना। इससे होगा ये कि जब भी मैं अपनी कोई वीडियो अपलोड करूँगा उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आपसे कोई वीडियो मिस नहीं होगी। दोस्त आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हो ताकि अगर मैं कोई अपडेट दूँ तो सीधा वो अपडेट आप तक पहुँच जाए और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो दोस्त मिलता हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और दूसरों की हेल्प करते रहिए।